हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार बहुत सारी रोटी बच गई हैं, इसका मैं क्या बनाऊं? इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है, रोटी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए, थोड़ी सी तैयारी करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, और बस मस्त सा पोहा आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, जिसमें हमने राई, जीरा और सौंफ का तड़का लगाया है। जब ये अच्छे से कड़क जाए तब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। तो बची हुई रोटियों का सबसे आसान बनने वाला नाश्ता आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जब मूंगफली तैयार हो जाए तब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और करी लीव्स ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल पोहे की ही तरह बनता है और पोहे की तरह टेस्टी भी लगता है। रोटी बच जाती है तो बहुत सोचना पड़ता है फेंकने के लिए कि यार वेस्ट क्यों करें, वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। आप उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि बाकी सारे जो भी टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो सब वेस्ट। आपको फ़ायदेमंद और जल्दी बनने वाला तो एक ही चीज़ मिलेगी, जो कि है पोहा। तो आप इस तरह से पोहा बना सकते हैं। बेसिक से मसाले हमने ऐड कर दिए हैं और बस रोटी को आप चाहें तो और भी बारीक कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। हमारे साइड में इसी तरह से बनाई जाती है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहने को तो ये बासी रोटी होती है, लेकिन बासी रोटी ताज़ी रोटी से भी ज़्यादा फायदेमंद होती है और पाचक होती है। तो हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दी हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए और बस इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा सूखा सूखा सा हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा चाहें तो आप पानी भी छिड़क सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको लगेगा, खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और बस इसे मिक्स कर दीजिए। जब सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस प्लेट ले आइए, आपका रोटी का पोहा बिल्कुल तैयार है। तो बची हुई रोटी से आप बहुत कुछ बना सकते होंगे, लेकिन जल्दी से बनाना है तो यही बना सकते हो आप, और टेस्ट में भी ये बेस्ट है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट करके बताना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।